एक्चुअली आज हमारा ओरिएंटेशन और पहला ऑडिशन है फारा खान कोरियोग्राफी कोर्स बॉम्बे मुंबई सेंटर का. उसके बाद हम जयपुर इंदौर आगे जाने वाले हैं. सो इट्स नाइस टू सी कि इतने सारे स्टूडेंट्स आए हैं. आज हम ऑडिशंस लेंगे, देखेंगे वेदर दे आर गुड इनफ टू टेक द कोरियोग्राफी कोर्स. क्योंकि डांस क्लासेस बहुत सारी है और बहुत अच्छी अच्छी डांस क्लासेस है. शामक की क्लासेस बहुत अच्छी है, टेरेंस की अच्छी है, बहुत सारे माधुरी हैज स्टार्टेड ऑनलाइन क्लास. सो आई डिडंट, मुझे इंटरेस्ट नहीं था कि मैं फिर एक और डांस क्लास करूँ. मुझे इंटरेस्ट था कि जब आप डांसर बन जाते हो उसके बाद आपके लिए कोई भी कोर्स नहीं है जो आपको सिखाए कि आप कोरियोग्राफर कैसे बन सकते हो. सो आई थिंक वो मेरा फील्ड ऑफ नॉलेज है. 25 साल से मैं कोरियोग्राफर बहुत सारे गाने के हैं और आई थिंक ऑल द एक्सपीरियंस जो मैंने सीखा है अलग अलग डायरेक्टर से वो सब इस कोर्स में. बाकायदा 12 हफ्तों का कोर्स बनाया है खुद लिख कर. सारी चीज़ें उसमें जो प्रैक्टिकल नॉलेज से लेकर थियोरी जो भी एक कोरियोग्राफर के लिए इम्पॉर्टेंट है ऑल दैट इज पार्ट ऑफ द कोर्स. नहीं मेरी आई होप के लोग सच में मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि आई होप कि लोगों को पता लगे कि हम बहुत सीरियसली ये कोर्स करने वाले हैं. और इस कोर्स में क्योंकि जब मैं आई थी इंडस्ट्री में तब कोरियोग्राफी ऐसा प्रोफेशन था ही नहीं कोई. मतलब बहुत सालों लग जाते थे डांस डायरेक्टर बनने के लिए. लेकिन अब क्योंकि रियलिटी शोज इतने आ गए हैं, इतने सारे गली नुक्कड़ में सब डांसर्स अच्छे अच्छे डांसर्स घूम रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई जब वो शूट करने को उनको बुलाओ तो दे डोंट हैव द नॉलेज, दे डोंट हैव द टेक्निकल नॉलेज. तो माय एक्सपेक्टेशन इज कि आफ्टर दिस कोर्स जब ये कोर्स से वो सीख कर जाएं दे बिकम बेटर एट देयर जॉब देन दे वर 12 वीक्स बिफोर द कोर्स. मेरा बहुत बहुत इनपुट बहुत इनपुट है क्योंकि पूरा जो कोर्स डिजाइन किया है वो मैंने ही डिजाइन किया है. ऑफकोर्स आई हैड एकेडमियन विद मी उल्का पुरी एंड माई असिस्टेंट. सो रेफरेंसिंग सारे गानों की कौन सी वीक में क्या सिखाना है, प्रैक्टिकल्स कैसे करने हैं, ऑल दैट हैज बीन कॉपी राइटेड मेड बाई मी एंड कॉपी राइटेड फॉर माई कोर्स. ऑफकोर्स फैकल्टी मैं चुन रही हूँ. मैं उनको पहले तो हम 4 हफ्ता फैकल्टी को ट्रेन कर रहे हैं. सो फैकल्टी इज ऑल्सो ऑल माई असिस्टेंट्स जो कोरियोग्राफर्स रह चुके हैं, जो कोरियोग्राफी कर चुके हैं, सो दैट दे नो वॉट दे आर टॉकिंग अबाउट. And of course, I think every 2-3 weeks I will be visiting the centers. मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं रोज़ यहाँ बैठकर टीचिंग का जॉब करूँगी, but they have been trained. ऊपर से जो सारे references हैं उसमें मैं shoot करके भी बोल रही हूँ. So no, there's no way that people can go wrong and start teaching something else. आपको किसने डांस सिखाया और आप किस मुझे माइकल जैक्सन ने डांस सिखाया है और आप किसको बेस्ट डांसर मानती हो और उससे कुछ सीखना है? देखो मैं खुद सीखी हुई हूँ. सो हमारे टाइम पे तो डांस क्लासेस भी नहीं होते थे. सो बट टुडे पीपल हैव सो मच मोर अपॉर्चुनिटी. और बेस्ट डांसर आई थिंक फॉर मी द डांसर दैट मेक्स मी स्माइल एंड मेक्स मी हैप्पी एंड दैट इज गोविंदा. कोरियोग्राफर मोर देन फिल्म स्टार्स इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम एडिटर लाए, डायरेक्टर्स आए उनसे बात करें. डेफिनेटली विजिटिंग फैकल्टी होगी, माई फ्रेंड्स विल कम, लिरिक राइटर्स आके उनसे बात करें कि लिरिक की इंटरप्रिटेशन कैसे होती है गानों में. क्योंकि आजकल हम देखते हैं लिरिक कुछ बोल रहा है, गाना कुछ कर रहा है. सो ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स that they need to do specially technically. Of course, एक दो फिल्म स्टार्स अगर आएंगे तो आई मीन किड्स विल गेट एक्साइटेड, बट आई डोंट नो हाउ मच ऑफ फिल्म स्टार विल बी एबल टू टीच अबाउट कोरियोग्राफी टू द किड्स. सो वी वॉन्ट टू कीप इट एकेडेमिक. डियर फ्रेंड ऑफ माइंड.
एंड आई थिंक ही सेड इट ऑल व्हेन दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही फील्स. आई मीन नोबडी कैन बिलीव दैट यू नो दैट करण वुड डू एनीथिंग विच इज नॉट नेशनल और पेट्रियाटिक. आई थिंक ऑल ऑफ अस फील लाइक दैट एंड आई थिंक हिज स्टेटमेंट हैज फाइनली अराइव्ड. And I think it says it all. So now the matter should be put to rest. Okay. And what do you feel as a labor person? Does this environment bother you at the moment? Yeah, there are a lot of things that bother us. It's not only this. There are lots. So let's not get into that, because whenever we open our mouth, we only get into trouble. Thank you. Thank you so much.